मिसेस चौधरी का तड़का और मैं और लाइफ बॉय से मैंने हाथ धो लिए जी जनाब। तो किचन में आने से पहले आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लिहाजा मैंने अपना काम कर लिया है। उम्मीद है कि आप भी ऐसे करते होंगे। अच्छा जी, आज हमने मिसेस चौधरी का तड़का शो के अंदर क्या बनाना है, हल्की हल्की चीजें बनानी है, बड़ी प्यारी प्यारी मजेदार सारी की सारी चीजें। मैं समझती हूँ कि रमजानों के महीने में ना सेहत अफजा होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए और घर की बनी होनी चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है जो कि बड़े मजे की, लेकिन हमने छोटी छोटी इसके अंदर जिद्दत पैदा की है। उर्दू भी अच्छी होगी मेरी। तो आज हमने बनाना है अंडे का एक यूनिक खगीना, अंडे का यूनिक खगीना। इसके अंदर हमने जो जो चीजें डालनी है वो मैं आपको भी बताती हूँ। और मैं साथ साथ बना रही हूँ चिकन हवाइन सैलेड। ये सारी चीजें जो मैं बना रही हूँ, मतलब ये दोनों चीजें, ये हम सहरी में भी खा सकते हैं, अफ्तारी में भी खा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी चीजें शुरू करूँ, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए। हाँ, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नोट्स बनाने के अलावा आप यूट्यूब के ऊपर जाके भी देख सकते हैं मिसेस चौधरी का तड़का है। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरी बहू रानी आ गई फिर से। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। है मैं तेरे सदके जाऊं, चुपके कितने प्यारे जाते हुए मुझे दे जाना। ठीक है, कैसी हैं आप आज? बस अब इस तरह करके हमने मिल लिया ना, ये आपके लिए। हाय, ये क्या है, इतनी सारी क्रीम है? तो ताई जी, ये सब मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा, और आप ये यूज करना शुरू करें और आप देखें कि ताया जी फिर से रोमांस आ जाएगा। मैं सद के देखो जी, आजकल के जमाने की बहुएं भी अच्छी आ रही हैं, तो सासें भी अच्छी आ रही हैं। पिछली वाली सासें तो जो चुटकियां बढ़िया देती थी। हम भी तो प्यार करते हैं ना अपनी बहुओं से, हैं हमारी बेटियां हैं ना, इस तरह करके। थैंक यू वेरी मच, तू मेरे लिए लेकर आई है। मैं तेरा बदला लूंगी, क्योंकि मैं तुझे दो चीजें सिखाऊंगी। आ जाए, मैंने कभी किसी से कुछ चीज ली होगी। आज क्या बना रहे? आज मैं बना रही हूँ अंडे का खगीना। जरा इसको हम कहते हैं यूनिक खगीना। ये तो मैं खा सकती हूँ। हाँ, खा सकती है, हेल्दी तो खाती है ना। ये देख, इसमें है 5 से 6 अंडे, आपकी मर्जी है। और इसमें हमने छोटे छोटे पतले पतले आलू के चिप्स काटे हुए। अच्छा, ये हमने टमाटर हैं काटे हुए हैं, और हमने प्याज भी काटे हुए हैं। अच्छा, थोड़ी हल्दी भी है, हम मतलब यूज करेंगे कि हल्दी है, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है और नमक है, और इसके साथ ये काली मिर्च है। और सबसे मजे की चीज ये देख, कनौर का ये चिकन क्यूब है। और ये अदरक तो धनिया हमने ना गार्निशिंग के लिए रखा है, ऊपर से तोड़ने के लिए। ताई जी, ये आलू इसमें गल जाएगा जब ये? हाँ नहीं, इसमें हाँ, तो देखिए हट मैं पहले इसको चूल्हे को तो जलाए जरा, एक मिनट परे हो, दपट्टे नु आग ना लग जावे मते। प्यारा सूट है वैसे, अपना ही है क्या? ताई जी, ये फरा तालिब अजीज का सूट है। अच्छा, तो मासून उसको कहना कि आंटियों के साइज के भी जरा बनाया करे कपड़े। हाँ, लड़िया कुड़ियों के साइज का बना देती, कभी मुझको भी भिजवाए। नहीं नहीं ताई जी, बड़े साइजेस में भी होते हैं, इतने बड़े साइज का भी ना हो। अच्छा जी, मैं कर रही हूँ ये इस्तेमाल, इसमें ना रफान का कुकिंग ऑयल, लेकिन बहुत सारा नहीं डालना हमने, इतना ही डालना जितना को हमें एक छोटी सी हांडी पकाने में चाहिए होता है ना। बिस्मिल्लाह, ऐसे करके बस। ये कितना हुआ समझो कि ये एक खाना पकाने वाला ये चमचा ना, इतना ये पूरा। हाँ, ठीक है, इतना ही ठीक है, मुझे ज्यादा चिकना नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ किस चीज के लिए चीज है ये? कुछ और ये बताऊंगी, ये चिकन हवाइन सैलेड है भाई। बड़े बड़े तुझे पता नहीं, मैंने नवी नवी चीजें सीख ली, मैं बड़ी शियार हो गई। अच्छा जी, हमने इसमें डाला, पहले तो हमने इसमें डाला गरम हो जाए प्याज। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। प्याज डाला इसके अंदर, देखो जितना भी प्याज मजेदार लगता है, क्रिस्पी हो ना। अच्छा, तो ये बता कि हाँ, उधर आजर तेरे साथ कनेडे में घर का काम वगैरह कराता है कि हेल्प कराता है कि नहीं कराता? बिल्कुल कराता है, वहाँ तो आपको पता है ताई जी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती, बहुत कम होती है, हफ्ते में एक या दो दफा तो सबको काम करना होता है। अरे बड़ा मुश्किल है बहन, उधर कूड़ा उठा के भी खुद ही फेंकना पड़ता है। बिल्कुल। तो अच्छा, वैसे मैंने आपकी ड्यूटीज होती हैं। मैंने समझाया था आजर को, देखना तेरे पे ना सारा डाल दे। वैसे भी एक बात बताऊं, मेरा आजर तो खुद बड़ा गोरा लगता है, प्यारा लगता है, किसी मेन के पेटे ना पड़ जाए, ध्यान रखे। नहीं ताई जी, हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को। खैर,
ट्रस्ट तो मैं भी बड़ा करती थी चॉइस साहब के ऊपर, पर घुंघरुओं की मार ऐसी पड़ी मेरी जिंदगी में, बच गए सारे घुंघरू। अच्छा ये कितना कितनी प्याज है, एक प्याज? ये नहीं, दो इतने को मीडियम प्याज है ये, एक अगर बहुत बड़ा सारा हो तो एक ही समझ लो, लेकिन वैसे दो मीडियम प्याज है। प्याज की फ्राई होने की खुशबू है ना, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना क्रिस्पी रखना है, ठीक है। अच्छा तो ये बता कि उधर तुम्हारे जो मिलने वाले हैं कनेडे में, उनके घर देसी खाने उनको खिलाते हो कि अंग्रेजी खिलाते हो? ताई जी कभी कभार देसी, कभी कभार अंग्रेजी। वैसे माशाल्लाह ताला हमारे बाहर के मुल्कों में जो बहन भाई रहते हैं ना मुसलमान, बड़ा लंबा रोजा होता है उनको, बहुत है ना। ओफ, तो मगर उनकी बड़ी बहादुरी है भाई, फिर सुबह को वो दफ्तर भी जाते हैं तो स्कूल भी जाते हैं, क्योंकि उधर तो नहीं ना रमजान शरीफ की छुट्टियां होती। हम हमारा रोजा तो फिर भी थोड़ा छोटा है, लेकिन खैर रोजा तो रोजा है, भावे लंबा वित भावे छोटा हुए है। इधर तो गर्मियों के रोजा तो वैसे पता क्या ये है ताई जी, वहाँ पे मौसम जो है ना क्योंकि प्लेजेंट होता है तो इतना ज्यादा। अब मैं ना इसके साथ ही आलू डाल रही हूँ, तो जब ये फ्राई होगा तो आलू भी साथ ही गल जाएंगे, पतले पतले है ना वो, तो मोटे मोटे नहीं हमने आलू काटे, हाँ चटक मटक ना हो जावे, ऐ तो क्यों चिक्का मारता पिया। अभी देख मैंने ज्यादा नहीं डाला, इतना ही डाला जितना तमीज से इसके अंदर होना चाहिए। अच्छा तो तू ये बता, जो तू अपना उधर जो नौकरी कर रही थी वो तूने छोड़ दी अभी क्रीमें बनाने की वजह से? जी ताई जी, वो मैंने ये ब्रांड शुरू किया है ना तो बड़ी मेहनत लगती है, सारा मैं खुद कर रही हूँ, खुद डिजाइन किया है सब कुछ, तो मजा भी आ रहा है लेकिन, और बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है। वैसे मैंने नहीं था कभी सोचा कि जिस तरह के माहौल में तू बड़ी हुई है उसमें तू इतनी अकलमंद निकलेगी, मतलब फिल्मी से माहौल था ना एक तुम्हारे घर का, तो मैंने समझा कि वो चलो खैर। अच्छा फराज साहब आजकल काम कर रहे हैं फिल्मों में कि रह गई उनकी फिल्में? अब दाई जी जो फिल्म्स बन रही थी वो रुक गई कोविड की वजह से, आपको पता है सिनेमाज अभी तक सारे बंद हैं, तो काम रुका हुआ है, बट इंशाल्लाह अब क्योंकि वैक्सीन आई है तो अब देखते हैं शायद। पता है इस वक्त सबसे बड़ी फिल्म कहाँ लगी हुई है? कहाँ? दुनिया में लगी हुई, जिसका नाम है COVID-19। किसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए जिसने मेकअप ना करना हो, ना मैंने चूड़ियां पहनी, हाय मेरे जोड़े कमरे मारियों से टंगे तो टंगे रह गए, मेरी जूतियां फूंद लग गई। आप कैसे घर पे बैठी इतनी देर? बस बड़ा मुश्किल था बेटे, तभी तो मैंने ये सीखा, फिर मैंने कहा जिंदगी में अगर बंदा किसी सिचुएशन में फंस जाता है तो कुछ करता है, फिर मैंने ये शेफ का कोर्स किया घर में बैठ के ऑनलाइन। हाँ जी सब कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि भाई लो जी मैंने डाली काली मिर्च बिस्मिल्लाह ये आधा चम्मच, हाँ आधा चम्मच और तकरीबन पौना चम्मच नमक, ठीक है, और तकरीबन ये एक चम्मच इसके अंदर, पांच अंडे है ना तो इतना मैंने लाल मिर्च डाली, और टमाटर मेरे ख्याल में एक, हाँ एक पौने साइज का, ये आधी चमची मैंने हल्दी की डाली, तो ये मैंने डाली हरी मिर्चे तकरीबन दो टी स्पून डाली, अच्छा लगता है जरा, यानी कि दो तीन मिर्चे। हाँ जी अच्छा ये हो गई हरी मिर्चे, अब थोड़ा थोड़ा ना ये साथ साथ गल रहा है मसाला, और साथ ही आलू भी गल जाएंगे, ठीक है। और अब मैं डालने लगी इसमें कनौर की चिकन क्यूब, तू देखी इसका जरा स्वाद चेक करी, तो जाके अगर कनेडे अपने दोस्तों को खिलाना तो कहना कि ये मेरी ताई जी ने मुझे सिखाया। ये मैं लेके जाऊंगी ना अपने साथ, आए नहीं उधर भी मिलता है वैसे, ले भी जाना उधर, मैंने बड़ा सुना है वो सारी दुनिया में फिरता है। अच्छा कनौर जो है ये हर जगह मिलता होता है, तो तू ले भी जाना तेरी मर्जी है, बक्से में सूट छोड़ जाना ना चार महीने पहले भी काट, सूटियां भी छोड़ जाना दो चार छोड़ दूंगी ताई जी, और ये झुमके तो मैं आपको देकर जाऊं, देके जाना। अच्छा कसम है जब तू ना देंगे तो आई प्रॉमिस, वादा है ना। अच्छा अच्छा जी अब हमने इसमें डालना बिस्मिल्लाह करके अंडा, तो ताई जी अंडा डालने से पहले कितनी देर आलू और प्याज वगैरह को करना है? बस ऐसे पांच से सात को मिनट, ठीक है। और चूंकि मैंने इतनी पतली पतली स्लाइसें काटी हुई थी ना इसकी, तो गल भी गया होना आलू इस तरह करके, ये देख, और इसको मैंने बोनी दे दी, बोनी बोनी दे के तो जरा इसको दम पे लगाना है हमने। अच्छा इसका वो दूं आपको? हाय हाय नहीं लमारी में से निकाल ली कोई चीज, बेटे तुझे ढूंढनी मुश्किल क्यों होती है, बचपन से तेरी आदत थी वैसे। मिल गया, चल शुक्र है तुझे मिल गया कुछ वैसे सिला, जिंदगी में मैंने जब भी तुझे कहा ढूंढ के कुछ ना तो लोग घंटा ही लगा। जी मुझे नहीं पता आपके किचन का, रहने दे बेटा घर की बहू रानी को हर चीज पता होनी चाहिए, पार्सल
इसको जरा। अच्छा जी, इतनी देर में हमने इसको दम लगाया है तो हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। मैं ऐसी प्यार प्यार में झुड़कियां दे रही थी अपनी बहू को, लाड से आप फिक्र ना करना है, मैं कोई ऐसी डरौनी सास हूं नहीं। वापस आ गए हैं मिसेस चौधरी का तड़का, आप देख रहे होंगे इसका मुझे पक्का यकीन है। लो जी, ये हमारा स्पेशल यूनिक खगीना तैयार है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिला, तुम कब आई? मैं अभी कुछ दिन पहले। लैला कहाँ है? लैला अपनी अम्मी के। मगली चगली जोनी ये वो नहीं जानी वो नहीं आना मगला चगला इसको ना तो फेरा अपने तुझे तो खाने की खुशबू आ जाता तू घर में आ जाता। क्या बनाया? तो ये भी स्पेशल यूनिक खगीना मैंने बनाया अंडों का। ये तो सुबह को सहरी के टाइम भी खा सकता है। तो मुझे तो भूख लगने लगी अभी, ठीक है ना, मैं वेट करना पड़ेगा। हमारे घर से सारा खाना तू ले जाता होता है। सारा खा लेगा विकी ताई जी। नहीं मैं सक के जाऊँ, इसके लिए और बना दूंगी, जितना मर्जी खाए। बच्चे खाते हैं ना तो सुकून आता है इंसान को। विकी बच्चे कैसे हैं? बच्चे दो ही अच्छे। तो अच्छे हैं ना? दोनों अच्छे। मैं दोनों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ कनाडा से। हाँ। देखा फिर? So much। देखा तेरे पर जाए कितनी अच्छी है। आज़र कैसे? आज़र वेरी गुड। बिल्कुल मजे में। मैं भी तेरा गार्निश नहीं सका क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी अभी। हाँ हाय, उन्होंने दूर रखी मेरे को भाई। हाँ मैंने लेने टुक दी जिसकी वैक्सीनेशन ना हुई। आहो तो शुक्र है तेरी होगी तो तू आ गई। ये देखना, ये हमने उधर रखना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। टेबल के ऊपर जो अफ्तार रख के आ जाऊं? रख ले फिर। नहीं हाँ, चल रखिया। छुपाना देना। नहीं 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 नहीं, उधर नहीं अभी ये ऐसे। अच्छा जी, अब हम अगली जो चीज बनाने लगे हैं बेटा, तूने नोट करनी है सही तरीके से। हटा दूं? हाँ हटा दे, उधर रखिया मेरी बच्ची। आप लोगों ने भी नोट करनी है, उसमें यूट्यूब पे भी देख लेना। ये हम बना रहे हैं चिकन हवाइन फ्रूट सैलेड। लो जी, इसके अंदर सबसे पहले चिकन, जिसका नाम लिया होता पहली दफा होना ही चाहिए। चिकन के बगैर वाला कुछ होता है वाला चिकन सैलेड बना रहे हैं। बॉइल्ड चिकन क्यूब्स, बॉइल्ड चिकन क्यूब्स हैं। तू बेटा एक काम कर, जरा सेब के टुकड़े कर, चौरस करिए, चौरस क्यूब्स ना। हाँ हो चुकोर चुकोर। हाँ और छिलका ना उतारी। लो जी, जो लोग छिलका उतार के खाते हैं सेब, उनका फिटे मुंह है। नहीं उसमें से सारी ताकत। मैं छिलका नहीं उतारती। मैं तो बड़ी बचपन से मैंने इनको समझाया था, खबरदार। अच्छा जी, ये ठहर जा रही है अभी एक मिनट। इसके अंदर पहले मैं बता दूं, ये अंगूर है, ये आइसिंग शुगर है, थोड़ा ये आइसिंग शुगर है, नमक है। हाँ ये ऐसे करके, हाँ ऐसे करके बिल्कुल ठीक है। ये आइसिंग शुगर है, ये चीनी है, ये वो सैलरी है। अच्छा ये व्हाइट वो होती है ना दक्कनी मिर्च, क्या सफेद काली मिर्च। ओ अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये क्रीम है, ये पाइन एप्पल के क्यूब्स हैं। नाइस, ठीक हो गया। देखा फिर अपनी माँ दिया फुर्तियाँ है। अरे फड़, सब कुछ इतना हेल्दी है ईमान से। ये सुबह का प्याला भर के आपने अगर सहरी में खा लिया ना तो आ जाना मजा, सारा दिन आपने फर्स्ट क्लास फिट फाट रहना है। बिल्कुल, ये है जी सैलरी, और जबरदस्त है ये आइसिंग शुगर तो थोड़ी सी। तू ये देख, ये बना तो मैं रही हूँ, सारा कुछ ना छोटा छोटा जो है ना, ये चॉइस आपने काटा है। नहीं अब्बा जी ने। आइसिंग शुगर ठहर के मुझे बता लेते हैं कि नहीं, ये वो है अपना आइसिंग शुगर। नहीं ये तो लून है, दर्द है ना मेरे को कभी मारता फिर सज्जी मारू मारत भी जब हार जा, मेरा काम ना खराब करिए, मेरा कारोबार ठप हो जाने। देखिए काम कैसा जा रहा है? यार जबरदस्त, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा नमक मैंने ऐसे छोटा चुटकी भर डाला है, ठीक, बल्कि आइसिंग शुगर थोड़ी सी और डालू मैं, मजे की है। ओके। अच्छा इसका भी तो देखिए कितना मजा आना है, मान से रौनी तुमने रह जाना है। अच्छा जी ये तो हमने डाली है, इसके अंदर बड़ी मजेदार क्रीम है, तो हेलमेंस का उधर मेयोनेज पड़ा फ्रिज में से निकाल के ला मेरा बच्चा, चल छेती हो जाओ जी। मुझे नहीं मिल रहा दोनों सेब काटने। एक बस एक। अच्छा जी ये हो गया, ये जो मैंने गोल चमचा रखा हुआ ना, समझो कि ये एक भर के ऐसे करते, ठीक है। चल बेटा इसको टकना लगाते, बेटा इसको एक क्रीमी ट्विस्ट के लिए डालना है इसके अंदर, ठीक है। हाँ तो खाली ट्विस्ट करने के लिए नहीं होता, कई दफा खानों में भी डालना पड़ता है। और ये क्रीम थोड़ी सी और डाली लिया बेटा, सेब पकड़ा ये वो कुछ बड़े पीसेस से चिकन हवाइन डालो, सैलेड डाल दे, बिस्मिल्लाह करके
इतने दिनों बाद आई कनेडा से मानसी, इसको देख के मेरा बड़ा मजा आया। आपको भी ताई जी। वैसे सुन बात, मैं बड़ी होके प्यारी हो गई हूँ कि नहीं? आप वैसी की वैसी हैं, हैं? वैसी की वैसी, बल्कि एक्चुअली ताई जी आपकी स्किन बहुत अच्छी है। अभी तो मैंने तेरी क्रीम भी नहीं लगाई। जब लगाएंगी तो देखे तू बेटे, तू टाइम लेके आई मेरे से मिलने में, किसी से मिलती नहीं हुई। चलो भाई, हमने इसको सर्व किस में करना है? जा वो डिश लेके आ शावर। शुक्र है बच्चे आए ने, दो काम ही करते थे है ना, हंस-हंस के मेरी लता रह रही है। ये भी हम बाद में खैर जाना, गार्निश करेंगे इसको। हाँ, इसके अंदर हमने ये मूंगफली है जी, और साथ में ये ऑरेंज के छोटे छोटे चंक्स हैं। और अगर ना मिले ऑरेंज तो क्या डालें बेटे? वो भी फ्रोजन भी तो मिलता ही है ना। वैसे मिल जाता है, मेरा ख्याल है कुछ और चीज भी हो सकती है, पाइनएप्पल के टुकड़े भी हो सकते हैं। अगर ऑरेंज ना मिले तो बंदा अचार तो नहीं ना पाना उते, फिर कोई फ्रूट ही पाना ना। खत गल्ला देखो नवी नवी ए फट के उते रख लिया। चल शाबाश बिस्मिल्ला। लो जी, अब हमने करनी है इसके ऊपर गार्निशिंग। माशाल्लाह, ते वहां सबके घर से पहले दूर हो। ओए सबके जावा, इतना प्यारा लग रहा है। वैसे ताई जी, आई रियली मिस्ड यू है ना। हां, कहां था तुम लोग? कनाडा चले गए। आपकी बातें और आपकी बस। बेटे उधर जाके, वैसे तुम लोगों ने क्या, उधर जाके कूड़ा कूद फेंकना, तो सफाइयां करनी, तो झाड़ू देने, तुम लोग क्या जरूरत पड़ी थी जाने की? इधर ही रह जाते ना। नहीं ताई जी, लेकिन पता है फिर आपको आदर की नौकरी कैसे करना। बस ये तो है मजबूरियां। लेकिन वैसे तुम लोग ना थोड़े बहुत पैसे कमा के वापस आ जाना, चुप करके उधर से पैसा लेके इधर आ जाना। पहले ये कोविड की फिल्म तो खत्म हो ना। यस, वैसे उधर बड़ी सख्ती है, होनी तो इधर भी चाहिए। वैसे लोगों को अक्ल चाहिए। नहीं तू मास्क कर रहा है। मैं मास्क पहन के आया था। कितने है तेरा मास्क? ये रहा मास्क है। मैं डोई मारनी थी, तू अगर मास्क ना पाके आए। मास्क 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 ध्यान रखी। मास्क मेरा पता नहीं तुझे? नहीं नहीं, मास्क है। तो हाथों ने सैनिटाइज किए थे? मैं अभी कर लेता हूं। मैं अभी कर लेता हूं। मेरी पतीली नो हाथ लाए तू? मैं अभी करूं। ताई जी, मेरा तो अभी टेस्ट हुआ था ना कुछ दिन पहले, जैसे ही लैंड की हूं। बस बेटे, हर वक्त तूने अपने बटवे में लटका के रखना है वो, समझी तू? अच्छा चलो, अब हम लोग उधर अपनी अफ्तारी के टेबल पे चलते हैं। चले चले, कितनी प्यारी है ना। ठहर जा, इसको कहते क्या है? मैं अभी तो बताया तुझे क्या था। चिकन हवाईयन फ्रूट सैलड। एनी बार बार अंग्रेजी मुझे मेरा मुंह देखना हो गया। हट जा, आहो चलो आ जाओ। विकी, तुमने हाथ नहीं धोए? मैंने सैनिटाइज कर लिया। सैनिटाइज कर लिए नहीं, ठीक हो गया। हूं तो सिर्फ हूं तो परछाई ना बनो दी। अच्छा ऐ ना पड़। देखा माशाल्लाह, और तक खजूरें देख तू। मैंने ये मैंने चॉइस साहब से करवाई है। बादाम रख। बादाम? हां, यहां रखते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर है, इसके ऊपर डाल ले। और चॉइस साहब, आप मेरे कहने में आ गए। हमने तो अपनी इफ्तारी बना ली है। मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, बल्कि भरोसा है कि आपने भी अपनी इफ्तारी बना ली होगी। सो फिर अब मिसेस चौधरी के तड़के के अगले एपिसोड में हम कोई नई नई मनसमनी चीजें बनाएंगे आपके लिए। आज हमको इतने ही काम आते थे बस, तो हमने कहा आपसे अब इजाजत लेते, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। चॉइस साहब मुबारक है भाई। अब्बा जी, we'll be right back.